नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। लालू प्रसाद के बेटे वन मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक के मामले में बता दें कि तेज प्रताप ने पत्नी से तलाक की अर्जी दे रखी है, लेकिन ऐश्वर्या राय उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहती है। 13 दिन पहले ही सुनवाई हुई थी। सुनवाई के समय ऐश्वर्या के वकील पीएन सिन्हा कोर्ट में नहीं आए थे, इसीलिए ऐश्वर्या की तरफ से आगे समय मांगा गया था। ऐश्वर्या के वकील के जूनियर नीलांजन चटर्जी ने कोर्ट से स्टे चाहा, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था। तेज प्रताप की तरफ से जगन्नाथ सिंह और गजेंद्र यादव ने कोर्ट से मांग की कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए। हाई कोर्ट ने पहले ही दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की है। चैम्बर में दोनों को आमने सामने बैठा कर सवाल जवाब किया गया, लेकिन तेज प्रताप साथ रहने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों परिवार के बीच पटना जू में मीटिंग कराने की जवाबदेही दोनों पक्षों के वकीलों को। लालू प्रसाद की सेहत खराब होने की वजह से यह मीटिंग नहीं हो सकी थी। इसके बाद 5 अगस्त को पटना जू में दोनों परिवार के बीच मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में तेज प्रताप की तरफ से उनकी मां राबड़ी देवी और ऐश्वर्या की तरफ से उनके पिता चंद्रिका राय पहुँचे थे, लेकिन मीटिंग इसीलिए सफल नहीं हो सकी। राबड़ी देवी ने इसमें कहा कि जब तेज प्रताप ही तैयार नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। बता दें कि 12 मई 2018 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही तेज प्रताप ने सोशल मीडिया के सामने आकर कहा था कि ऐश्वर्या का पूरा परिवार उन्हें परेशान करने में लगा है और उनसे 10 करोड़ रुपये की बड़ी रकम मांग कर रहे हैं। उन्होंने तब यह भी कहा था कि जल्द ही सबूतों के साथ कुछ ऐसे तथ्य सामने लाने वाला हूं जो सभी की आंखें खोल देगा। तेज प्रताप ने कहा था कि मां से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मां ईश्वर का ही दूसरा रूप है। जिसके पास मां का प्यार हो उसे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब आपकी आंखों के सामने ही आपकी मां को परिवार को परेशान किया जाने लगे, उन पर हाथ उठाया जाए, और ऐसे में क्या एक बेटे को चुप रहना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव की तरफ से ये बात कही गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज उनके मामले में सुनवाई है। अब देखना होगा कोर्ट क्या फैसला देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ।